स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एज वेल, देन लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, तो पहले अपने थोड़ा आर बेसिक्स के बारे में वापस बात करेंगे. ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके, तो ये जो आपको अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बेसिकली आर स्टूडियो का स्क्रीन. ठीक है, दिस इज नॉट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली, दिस इज आर स्टूडियो. आप लोग पूछ रहे हो कि दोनों के बीच में फर्क क्या है. ठीक है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द रॉ प्रोग्राम. ठीक है, जहाँ पे इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा. ठीक है, बट अगर कोई आर स्टूडियो, अगर कोई आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोलेगा ना कोई विंडो, तो बहुत मतलब क्रूड है. एक याद है क्यू बेसिक, आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था किसी ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यू बेसिक करके होता था. एकदम मतलब ऐसा है कि आप समझ ही नहीं पाओगे. और अपने को मतलब बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने का आदत पड़ गया ना, बहुत अच्छे इंटरफेसेस पे, तो दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक दैट इंटरफेस वोंट बी वेरी यूजर फ्रेंडली. ठीक है, the substitute of that is R studio. So R studio has basically R programming language sitting in the background, okay, and it provides a very user friendly interface jiske through apna coding life becomes much more easier, okay. So aap logon ne R programming aur R studio download to karke rakha hai na? Nahi, kya nahi aa raha hai? Installer pe double click kar rahe ho? Acha, विंडोज पे जाके आर स्टूडियो टाइप करो, फिर क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, विंडोज पे आर स्टूडियो सर्च कर रहे हो तो आ रहा है? नहीं आ रहा है. आर डाउनलोड किया है कि आर स्टूडियो इंस्टॉल किया है? हाँ 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 हाँ, इंस्टॉल दिखा दिया था, फिर भी नहीं हो रहा है. अच्छा, आप आज एक काम करो, आज की क्लास एक बार ऐसे देखो. ठीक है, फिर मैं क्लास के बाद अपने बैठते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, ओके, आपका इंस्टॉल हो गया ना आर और आर स्टूडियो दोनों. आपने बेसिक्स की भी क्लासेस देखी क्या? बेसिक्स की क्लासेस हाँ यहाँ पे ली थी, तो आपको आपकी बेसिक्स कवर्ड है, राइट? तो बेसिक्स क्या थे? बेसिकली इट कैन, आर कैन डू एवरीथिंग दैट अ कैलकुलेटर कैन डू, राइट? 2 + 3, 2 + -3. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 3, जो कि अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन है, उस पर कंट्रोल एंटर हिट करूं, तो कंसोल में इनपुट एंड आउटपुट दोनों आएंगे. देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे कंसोल पे इनपुट भी आया, आउटपुट भी आया. ठीक है, सो इट कैन डू एवरीथिंग अ कैलकुलेटर कैन डू, 2 × 3, 2 − 3, 2 to the power 3, एवरीथिंग, राइट? इट कैन स्टोर वैल्यूज इन वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई से a = 2, राइट, एंड b = 3, राइट? तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे a में 2 स्टोर किया, b में 3 स्टोर किया. एनवायरमेंट में यहाँ मुझे वो दोनों वैल्यूज भी दिख रही है, राइट? जो जो वैल्यू स्टोर्ड है. और फिर अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो मुझे 5 मिल रहा है, राइट? आई कैन ओवर राइट, अगर मैं वापस बोलूं कि a = 5, तो a पे 5, सॉरी a = 5, तो a पे 5 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में, इसको भूल जाइए वाला दो लाइन को. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कोई बता सकता है इन दो लाइन में? एग्जैक्टली, तो वहां पे वो टेस्ट हुआ कि a लेस देन 5 है कि नहीं. ठीक है, less than 5 था तो true आ गया, तो it was a logical condition, right? What else? We talked about indexing. For example, indexing के पहले vectors, right? So in a particular object, I can store multiple numbers, right? For example, I write numbers करके कोई एक vector बनाऊँ, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके 5 numbers store कर दिए मैंने, right? तो इसमें 5 numbers stored है, ऐसे data type को हम कहते हैं vector, जहाँ पे multiple numbers stored है, right? अगर मुझे इसका थर्ड नंबर कॉल करना है, थर्ड नंबर मतलब तीसरे पोजीशन वाला नंबर, तो NOS क्या करूंगा मैं? स्क्वायर ब्रैकेट 3, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट होता है इंडेक्सिंग, जैसे तीसरा नंबर आ गया. और क्या क्या तरीके हैं वेक्टर्स बनाने के? इजी तरीका क्या है? अगर मुझे 10 से लेके 45 तक सारे नंबर चाहिए, तो क्या मैं लिखते बैठूं 10, 11, 12, 13? नहीं, दैट इज 10 ⋅ 45, right? So more numbers mein agar, for example, I store what? 10 ⋅ 45, I'll get these many numbers, right? So isme itne 36 numbers stored hain, right? Agar more underscore numbers mein main fifth number index aise kar sakta hoon. Correct. Yeah, integer aaya, haan. So it is about how the vectors have been defined. जब आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हो ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यूजर डेसिमल प्लेस भी डाल सकता था यहाँ पे. ठीक है, आई वॉज रेडी टू गिव डेसिमल प्लेसेस ना, तो उसके हिसाब से ये न्यूमेरिक है.
वहां पे मैंने 1:36 किया तो उसको पता है स्पेसेस 1 है, तो केवल इंटीजर स्पेस ही आ सकते थे, तो उसने इंटीजर बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया। अगेन डेटा टाइप से ना आ रहा डायनेमिक, डायनेमिक इन द सेंस अगर आप मोर नंबर्स पे, फॉर एग्जाम्पल क्या है अभी वो इंटीजर है, एक और नंबर मैं ऐड करूँ जो डेसिमल हो, वो अपने आप इंटीजर को न्यूमेरिक बना देगा। ठीक है, तो इन दैट वे आर में डेटा टाइप्स आर डायनेमिक। ओके कूल, व्हाट एल्स वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, राइट? आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग मतलब अल्फा न्यूमेरिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट नेम इक्वल्स ABC, करेक्ट? डबल कोट्स यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ये सिंबल अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये इक्वल्स का सिंबल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई भी दिक्कत? और क्या सीखा था बताओ? स्मॉल केस अपर केस, राइट? क्या होता है स्मॉल केस अपर केस? कि आर में स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी ए में क्या वैल्यू स्टोर है बताओ, कैसे देख सकता हूँ? अगर मैं 5 वहां पे एनवायरमेंट में दिख रहा है, या फिर ए को कंट्रोल एंटर कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं कैपिटल ए में फॉर एग्जाम्पल 6 स्टोर करूँ, तो कैपिटल ए इज डिफरेंट, स्मॉल ए इज डिफरेंट, सो आर इज केस सेंसिटिव। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ? ऑल गुड। अच्छा, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड लास्ट, लाइक ऑन बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स है, बहुत ही छोटा समरी है, 3 घंटे की वीडियो है, मैंने उसको 3 या 5 घंटे में किया है शायद, और मैंने उसको यहाँ 5-7 मिनट में समराइज किया, कल 10-15 मिनट में किया था। ठीक है, सो दिस इज अ रियली शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ इट। कल हमने क्या किया था? कल हमने 3-4 नए फंक्शन सीखे थे। क्या फंक्शन सीखे थे? सबसे पहले तो लेंथ फंक्शन सीखा था, याद है? लेंथ फंक्शन क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेक्टर, ठीक है, 3:20 है उसमें। ठीक है, अगर मुझे निकालना है ए में कितने नंबर्स हैं, या तो मैं यहाँ से देख के निकाल सकता हूँ 18 नंबर्स हैं, या फिर मैं लेंथ फंक्शन यूज कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ ए, राइट? व्हाट एल्स आई लर्न अबाउट द सैम्पल फंक्शन। व्हाट डज सैम्पल फंक्शन हेल्प इट? इट हेल्प्स इन सैम्पलिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, आर में एक और चीज बहुत अच्छी है, द बॉटम राइट विंडो, देयर इज अ हेल्प टैब देयर। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉटम राइट में देयर इज अ हेल्प टैब, या एनी न्यू फंक्शन यू आर ट्राइंग टू यूज, गो एंड सर्च फॉर दैट फंक्शन, या इट विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दिस फंक्शन हैज, या व्हाट डज एवरी आर्ग्यूमेंट मीन। ठीक है, पहली बार पढ़ोगे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, पर जैसे जैसे अपने और फंक्शंस करेंगे, आप इसको रीड करके फंक्शंस यूज करते जाओगे, यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, सो द सैम्पल फंक्शन इज यूज फॉर व्हाट? सैम्पलिंग। आप इनपुट में एक वेक्टर दोगे, अब सैम्पलिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ इनपुट वेक्टर से ABC जिसमें 37 नंबर्स हैं, ठीक है, से 0 to 36, राइट? यहाँ पे 37 नंबर्स है ना, 0 से लेके 36, आई वॉन्ट टू चूज 100 नंबर्स आउट ऑफ इट रैंडमली। ठीक है, तो पहला मेरा यहाँ पे इनपुट रहेगा कि व्हाट इज द वेक्टर आई वांट टू चूज नंबर्स फ्रॉम, वो मेरा एक है यहाँ ABC है, राइट? मुझे उससे सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट कितने नंबर्स चूज करने हैं, दैट विल बी व्हाट? 100, राइट? देखो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द सैंपल, राइट? सेकेंड आर्गुमेंट, तो साइज रिप्लेस इज एन इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट वेयर यू से वेदर, अगर एक नंबर 0 से 36 एक बार आ गया, तो आपको क्या वो नंबर वापस रिपीट कराना है। ठीक है, 0 एक बार मेरे सैंपल में आ गया, तो मुझे वापस 0 आ सकता है क्या उस सैंपल में? ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर 37 नंबर है, 37 नंबर्स है, राइट, 0 से लेके 36, 100 का सैंपल साइज है, नंबर्स तो रिपीट कराने ही पड़ेंगे, ये तो 100 का सैंपल कैसे बनेगा, है ना? तो मैं यहाँ पे रिप्लेस इक्वल्स टू अगर करूंगा, एक सैंपल बन जाएगा। सही है, ये मेन में था। हमने कुछ DPQR करके फंक्शंस पढ़े, क्या थे? हमने पढ़ा डी बायनॉम, राइट, पी बायनॉम, क्यू बायनॉम एंड आर बायनॉम, राइट? व्हाट डू दीज फंक्शंस डू? दीज फंक्शंस डू 4 डिफरेंट थिंग्स बट फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस फर्स्ट फंक्शन डी बायनॉम फाइंड्स अ PDF, PDF मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर आपको जैसे कोई एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इट फॉलोज बाइनोमियल 10.7, ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 3। ठीक है, आप यहाँ पे 3, 10, 0.7 लिखोगे, पहला जिस पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, दूसरा आर्गुमेंट एन, ठीक है, जो कि अपने पास टेन है, तीसरा आर्गुमेंट पी जो 0.7 है, वो आपके लिए क्या निकाल देगा? डी बाइनोम निकाल देगा, मतलब PDF निकाल देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताओ। एकदम रैंडम है,
रैंडम आप करेंगे तो मे भी उसमें डिफरेंट आएगा। देयर इज अ वे विल लर्न, जो हमने कल सीखा था, जिससे हमारे और आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है, वो अपने करेंगे आगे, ठीक है, वो आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ हो गया, ऐसे ही करके सीडीएफ भी है, ठीक है। सीडीएफ मतलब क्या पढ़ते थे अपने सीडीएफ थ्योरी में, लेस देन इक्वल टू एक्स, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या लक्षित है सेइंग समथिंग, तो लेस देन इक्वल टू एक्स, अगर मैं 3, 10, 7 करूंगा तो लेस देन इक्वल टू 3 कैलकुलेट हो जाएगा। क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ, पी बाय नॉर्म 3, 10, 0.7 होना चाहिए ना, मैंने 7 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 कर दी तो वो दिक्कत दे दिया, ठीक है, क्लियर है लक्षिता। तो सैंपल के आंसर्स हमारे भी डिफरेंट आएंगे, सो देयर इज वन मोर फंक्शन दैट वी डिड यस्टरडे, याद करो, सेट डॉट सीड, जिसके बाद सैंपल के हमारे सेम आ रहे थे, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ अपने, बस रिवाइज कर रहे हैं कल जो किया, ठीक है। तो सिमिलरली होता है इनवर्स सीडीएफ। इनवर्स सीडीएफ मतलब क्या हुआ कि अपने को यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स कैलकुलेट हुई है ना, यस और नो, राइट। यहाँ पे आई गॉट दिस वैल्यू, राइट, दिस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू। अब आई हैव, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये मुझे नहीं पता और मुझे ये वैल्यू पता है, तो अब मैं क्यू बायनॉम से ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो मुझे सी डी एफ की वैल्यू पता है, आई हैव द लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एंड फाइंडिंग आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है। तो क्यू बायनॉम, अब प्रोबेबिलिटी है तो पहला आर्ग्यूमेंट भी कुछ डेसिमल्स में होगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल 0.5, 10, 0.7, राइट, तो इससे निकल जाएगा 50th परसेंटाइल और द सेकेंड क्वांटाइल, और क्या कहते हैं अपने इसको, जहाँ पे 0.5, अगर आधी 0.5 है सी डी एफ, मीडियन, राइट, क्योंकि आधी प्रोबेबिलिटीज यहाँ आधी प्रोबेबिलिटीज वहाँ, तो मीडियन है ये, ठीक है। आर बाइनोम इज अगेन इंटरेस्टिंग, इट्स ऑलमोस्ट सैम्पलिंग, बट सैम्पलिंग विद रिस्पेक्ट टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम सेइंग दैट माय रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई एम जनरेटिंग सैम्पल फॉर दैट, ओके। कितने सैंपल जनरेट करने हैं, द रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, कितने करने हैं वो पहला आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू जनरेट 1500 नंबर्स, ठीक है, कॉमा 10, 0.7, ठीक है। तो उसने 1000 1500 नंबर्स मुझे निकाल, 1500 नंबर्स मुझे निकाल के दे दिए रैंडमली फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वापस करोगे मेरे और आपके आंसर्स डिफरेंट आएंगे इसके, क्योंकि दिस इज रैंडम इन नेचर, राइट। दीज वर द फंक्शंस वी डिड मेन में, वी डिड सम ग्राफिकल फंक्शंस एज वेल। क्या क्या था ग्राफिकल फंक्शंस कल हमने जो किया था, वी डिड बार प्लॉट, प्लॉट लाइंस, ए बी लाइन, ये सभी कर किया था हमने, है ना, और हिस्ट किया था, हिस्ट किया था, ठीक है, एंड क्वांटाइल एक फंक्शन किया था, राइट, हाँ अलग फंक्शन था, ठीक है। तो आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की, डोंट वरी, वही सारे फंक्शंस आज आगे के एक्सरसाइजेस में भी आएंगे, तो अपने जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे वो कैसे यूज हो रहा है, ऑल गुड। लेकिन ये चार अक्षर समझ में, डी पी क्यू आर, डी बायनॉम पीडीएफ के लिए, पी बायनॉम सीडीएफ के लिए, क्यू बायनॉम इनवर्स सीडीएफ के लिए, और आर बायनॉम रैंडम सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि यही फोर लेटर्स विल बी रिपीटेड आगे भी, ठीक है। डी पॉइस पॉइजन के लिए, किस पीडीएफ के लिए, पी पॉइस, हाँ आर बायनॉम, अच्छा सैंपल में हम क्या कर रहे थे, रैंडमली उठा रहे थे सारे नंबर्स, ठीक है, उस एबीसी वेक्टर से। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, इट फॉलोज बाइनोमियल 10, 0.7, 10, 0.7, ठीक है। आई वॉन्ट 1500 रैंडम नंबर्स ऑफ एक्स, रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है, कि कैपिटल एक्स के मुझे रैंडमली 1500 वैल्यूज दो, गिवन इट फॉलोज बाइनोमियल 10,07। रेंज तो क्या होता है बताओ, बाइनोमियल का रेंज क्या होता है, करेक्ट। अच्छा आप बताओ, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, बाइनोमियल का रेंज क्या होता है एक्स का, 0 से n, राइट, क्या होता है नंबर ऑफ सब, जैसे क्या अपना कुछ भी समझ लो कि 10 लोग हैं, उनको कुछ बीमारी हुई है, उनको उनका सर्वाइवल रेट देख रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीपल हु सर्वाइव इज एक्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, तो कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं, या तो 0 लोग सर्वाइव करेंगे,
एक लोग, दो लोग, तीन लोग, या तो 10 के 10 सर्वाइव कर जाएंगे. तो रेंज ऑफ एक्स क्या है, 0 to 10. ठीक है, तो यहाँ पे भी एन क्या है, 10. तो एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, रेंज ऑफ एक्स इज 0 से लेके 10, राइट. तो ये सारे नंबर्स हो गए ना 0 से लेके 10 के. देखो कोई भी नंबर 0 से कम, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, और 10 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, ऑल गुड. सो दैट्स द बेसिक ऑफ व्हाट वी डिड यस्टरडे, राइट. विल कंटिन्यू दिस फॉरवर्ड. ओके, लेट्स ओपन दैट CS1B मटीरियल 2024. या लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ. चलो, सो वी डिड 2.04 तक टुडे. पीपल हु हैव नॉट, 5 तक यस्टरडे, राइट. हाँ, तो पीपल हु हैव नॉट अगेन अटेंडेड यस्टरडेज क्लास और द बेसिक्स क्लास, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार देख लेना उन्हें. ठीक है, बिकॉज दे कवर रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल. कूल. चलो 2.06 देखते हैं क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड, आर बेसिक फाइल्स पे मिलेगा ये? नहीं, ये मिलेगा अपने को CS1B मटेरियल 2024 करके सॉफ्ट कॉपी में. ठीक है, एक बार सॉफ्ट कॉपी में जाओ हमारे AIQ फोरम में, स्टडी मटेरियल के अंदर. देयर देयर इज समथिंग कॉल्ड CS1B मटेरियल 2024. ठीक है, उसमें देयर इज CS1 एक्सरसाइजेस. सर, CS1 CMP सर, नहीं, CS1 एक्सरसाइजेस करके, CS1B 2024 में जाओ पहले. वो नए पेपर भी मटेरियल लिखा हुआ एकदम स्क्रॉल डाउन करो, एकदम एंड में मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी. गो टू द वेरी एंड, यू विल गेट पेपर बी मटेरियल 2024 मिला. है। यस सर, हाँ, अब उसमें जाओ, उसमें यू विल हैव समथिंग कॉल्ड CS1 एक्सरसाइजेस. ऑल एक्सरसाइजेस विद, यस, कॉल ओके ओके CS1 एक्सरसाइजेस, जस्ट CS1 एक्सरसाइजेस. देखो, ओके, फाउंड इट। या परफेक्ट, कूल, ऑल गुड गाइस. चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ. क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड कैन बी अज्यूम टू बी 0.51 इंडिपेंडेंटली फ्रॉम बर्थ टू बर्थ. ठीक है, तो एक बर्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज 0.51. नाउ दे आर सेइंग दैट द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमेन्स फोर्थ चाइल्ड इज अ फर्स्ट सन. तो क्या कह रहा है, पहले तीन नॉन मेल चाइल्ड हुए एंड द फोर्थ चाइल्ड इज अ सन, राइट. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सम इवेंट, राइट. चलो स्टोर कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को. दिस इज वॉट. अच्छा, एक और चीज, ये हैश टैग जो आप देख रहे हो, हैश यहाँ पे सिंबल, दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग कमेंट्स. ठीक है, दोज लाइन्स ऑफ कोड डोंट गेट एग्जीक्यूटेड. या सो दिस इज वॉट एक्सरसाइज 2.06. आई एम जस्ट यूजिंग दैट टू लेबल माई स्टफ रियली वेल. ठीक है, सो पी इज गिवन टू बी वॉट, 0.51. या यस और नो, गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक मिनट. या अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट, बाय स्क्रैच कैलकुलेट करो. अभी DPQR कुछ यूज मत करो, बाय फ्रॉम स्क्रैच अगर मुझे निकालना है, द फोर फीमेल चाइल्ड्स, सॉरी 3 फीमेल चाइल्ड्स एंड द फोर्थ वन इज अ मेल चाइल्ड, तो अब कैसे निकालोगे बताओ, राइट. 1 - p^3 (p), करेक्ट, यस और नो. q^3 (p), pq^(n-x-1) होता था ना, है ना, कर लो. देखो इसको यहाँ पे कैसे करोगे, सब लोग अपने कॉपीज में देख भी लो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता था. 1 - p^3, राइट, (p). अब दिक्कत क्या, मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं किया पहले, उस कर दिया था. ठीक है, इसलिए उसने कह दिया ऑब्जेक्ट पी नॉट फाउंड, बट पहले वो एग्जीक्यूट करना है फिर नीचे आना. ऑल गुड. या चलो, अब द नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग आवर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ठीक है, क्या होगा, डी होगा, पी होगा, क्यू होगा कि आर होगा, अगर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल समथिंग निकालना है तो जीओम कुछ होगा, बट डी होगा,
पी होगा, क्यू होगा कि आर होगा, कौन सा लेटर यूज करेंगे? डी है ना, क्योंकि अपने हमने देखा था ना, डी होता है पीडीएफ के लिए, पी होता है सीडीएफ के लिए, क्यू होता है इनवर्स सीडीएफ के लिए, और आर होता है रैंडम सिमुलेशंस के लिए, वही फंडा हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे भी डी जियोम खोजोगे, ठीक है, जैसे डी बाइनोम था वैसे डी जियोम है। ओके देखो, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ क्वांटाइल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस अकर्स। तो यहाँ पे वो क्या है बताओ, वापस पढ़ो, है थ्री, वापस अच्छे से देख लो, क्योंकि थ्री नॉन मेल चाइल्ड्स एंड देन अ मेल चाइल्ड, राइट? तो यहाँ पे एक्स थ्री होगा ना, यस और नो? एंड व्हाट इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट टॉप वाला, 0.51 विच इज अ पी अप देयर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी जियोम ऑफ क्या होगा, 3, P, देखो सेम आ रहा है, समझ में आया आपको? आई नो आप अभी कर नहीं पा रहे हो, बट समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल समथिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ड्रॉ लेबल्ड बार चार्ट शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 0 to 10 डॉटर्स बिफोर हर फर्स्ट सन, राइट? तो सेट 11 नंबर्स, एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to 10, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले एक्स का रेंज एक जगह स्टोर कर लूंगा, ठीक है, एक्स में स्टोर कर लूंगा 0 to 10। ओके, तो आई हैव दीज 11 नंबर्स इन द वेक्टर एक्स, राइट? आप मुझे बताओ वाई, या मैं एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, उसको मैं एक बार वाई में स्टोर करना चाहूंगा, ठीक है? कैसे स्टोर करूं मैं, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? रिपीट क्यों करोगे? डी जी हम अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स ही तो चाहिए। मैं बोल रहा हूं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गोइंग अप टिल 10, मुझे उसका पीडीएफ चाहिए, है ना? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच नंबर ऑफ डॉटर्स बिफोर द फर्स्ट सन, यस और नो? तो नाउ द थिंग इज, डी जी एम का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ पे केवल ये एक नंबर नहीं, एक नंबर तो करता ही एक्सेप्ट, मल्टीपल नंबर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग 3, आई कैन गिव इट 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक वेक्टर भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो सारे पॉइंट से पीडीएफ निकाल देगा मेरे लिए, ठीक है? इसका मतलब मैं अगर डी जियोम ऑफ क्या, यहाँ पे एक्स 0 to 10 है, राइट, कॉमा पी, तो वाई में देखो मेरे पास 11 नंबर्स आ गए फॉर ऑल दोज 11 प्रॉबिलिटीज, दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ 0, राइट, 0 फीमेल चाइल्ड एंड देन 1 मेल चाइल्ड, राइट, दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ 1 फीमेल चाइल्ड एंड देन 1 मेल चाइल्ड, 2 फीमेल 1 मेल, 3 फीमेल 1 मेल, वो एक वेक्टर में मुझे दे देगा। समझ आया ये, बताओ कर लो ये, बट क्या ये फाइनल क्वेश्चन है? नहीं ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क यू फॉर, प्लॉटिंग अ बार प्लॉट, राइट? नाउ फॉर द बार प्लॉट दिस अ डेडिकेटेड फंक्शन, राइट, कॉल दी बार प्लॉट फंक्शन, ठीक है? नया फंक्शन है, वापस देखते हैं क्या है। बार प्लॉट फंक्शन में द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द हाइट्स ऑफ माई बार्स, ठीक है, द हाइट्स ऑफ माई बार्स, हाइट क्या होगा, वाई एक्सिस की वैल्यूज, विच इज वॉट दीज प्रोबेबिलिटीज, हाँ कि ना बताओ, है ना? तो मैं क्या 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 करूंगा, डायरेक्ट बार प्लॉट ऑफ वाई कर दूंगा, तो देखो प्लॉट आ गया, है ना? यस, नाउ डज दिस ग्राफ लुक गुड? नो, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ मतलब नंबर्स नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेबल नहीं है, हेडर नहीं है, तो वो सब चीज अपने ग्राफ में करते हैं, ठीक है? सो द बार प्लॉट, आप देखोगे एक्स एक्सिस पे नंबर्स भी नहीं आए, बार के नंबर्स नहीं आए, तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड द नेम्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है? नेम्स इक्वल्स, मैं नंबर्स दूंगा जो मुझे बार्स के लेबल्स चाहिए, क्या है वो नंबर्स,
क्या होंगे इस बार का नंबर क्या होगा बताओ, 0 0 1 2 3, 0 is to 10 विच इज एक्स, एक्स परफेक्ट, तो नेम्स इक्वल्स एक्स, ठीक है। व्हाट एल्स, आई लेबल माय एक्सेस, एक्स एक्सेस लेबल करूंगा, वाई एक्सेस लेबल करूंगा, तो उसके लिए आई हैव डेडिकेटेड आर्गुमेंट्स, एक्स लैब है फॉर एक्स एक्सेस, तो वाई एक्सेस के लिए क्या होगा, वाई लैब, है ना। तो एक्स लैब में क्या है, ये नंबर ऑफ डॉटर्स, राइट, नंबर ऑफ डॉटर्स, वाई लैब इज वॉट, पी डी एफ, राइट, एंड मेन इज वॉट, पी डी एफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ द ग्राफ लुक्स मच बेटर, या सही है, कोई भी दिक्कत, सबको समझ में आया बार प्लॉट, कोई भी एरर नहीं आ रहा है ना, देखो हर आर्गुमेंट के बाद कॉमा देना है, एक्स लैब वाई लैब मेन आर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इसलिए वो डबल कोट्स में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, यूज द ज्योमेट्रिक सी डी एफ टू कैलकुलेट दैट द वुमन हैज यूज द ज्योमेट्रिक सी डी एफ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द वुमन हैज एटमोस्ट फोर डॉटर्स बिफोर हर फर्स्ट सन, एटमोस्ट फोर मतलब क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा फोर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, डी बाइनोम होता है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेस देन इक्वल टू के लिए क्या होता है, सी डी एफ विच इज कौन सा लेटर था, पी, राइट, डी पी क्यू आर, तो ये पी है, ठीक है। सो पी ये क्या होगा, जियोम हो जाएगा, वहां पे पी बायनोम यूज किया था, यहाँ पे पी जियोम हो जाएगा, किस पॉइंट पे करना है, फोर पे करना है ना, लेस देन इक्वल टू फोर, तो फोर कॉमा पी, ठीक है, फोर कॉमा पी किए, लेस देन इक्वल टू फोर आ गया, समझे, कोई भी दिक्कत इसमें बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोर देन टू डॉटर्स, ठीक है, पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू करना है ना, बताओ, अब एक्स ग्रेटर देन टू इज स्लाइटली डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, अब द ट्विस्ट हियर इज व्हाट, टेल मी, जिन्होंने कल का क्लास अटेंड किया आप जानते हैं, वो यहाँ पे क्या आएगा, एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा, कौन सा, लोअर टेल इक्वल्स फॉल्स, तो यहाँ पे क्या है, पी जियोम आपके लिए बाय डिफॉल्ट लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, ठीक है, बट वो आपके लिए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकती है, कैसे, हेल्प टेक्स्ट में आके देखते हैं, हेल्प में देखो, लेट्स सर्च फॉर पी जियोम, ओके, सी पी जियोम हैज अ एडिशनल आर्गुमेंट कॉल्ड लोअर टेल विच इज बाय डिफॉल्ट सेट टू ट्रू, ओके, देख रहे हो क्या है एक्सप्लेनेशन, इफ ट्रू प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन इक्वल टू एक्स, या अदरवाइज मतलब अगर फॉल्स कर दिया तो ग्रेटर देन एक्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देगा, है ना, समझ आया, तो पी बायनोम दो चीज करता है, लेस देन इक्वल टू भी कर सकता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी कर सकता है, तो अगर मुझे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मैं पी जियोम टू कॉमा पी लिखूंगा, बट एक और आर्गुमेंट ऐड कर दूंगा जिसमें मैं कहूंगा लोअर टेल इज इक्वल टू फॉल्स, आया समझ में, ठीक है, सो आई विल गेट द ग्रेटर देन टू प्रोबेबिलिटी, ट्राई करो, आ रहा है ना ये आंसर, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, फाइन गाइस, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, ना ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए क्या करोगे, ग्रेटर देन वन करोगे ना, ग्रेटर देन वन कॉमा टू कॉमा लोअर टेल फॉल्स कर देंगे, ठीक है, वन डॉटर बिफोर हर फर्स्ट सन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स, देखो क्या लिखा है, वन डॉटर बिफोर हर फर्स्ट सन, है ना, तो एक्स इक्वल्स वन है, राइट, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डी जियोम भी कर सकते हो, लेकिन देखो उसने क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक सी डी एफ, हाँ, तो x equals 1 क्या हुआ, x less than equal to 1
माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना? वन में क्या होता है, जीरो प्लस वन प्रॉबिलिटी होती है, लेस देन इक्वल टू जीरो में केवल जीरो प्रॉबिलिटी होगी, राइट? टेल मी गाइस यस और नो, बताओ समझ आया? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी जी ऑम ऑफ टू कॉमा पी माइनस सॉरी वन कॉमा पी माइनस पी जी ऑम ऑफ वन का जीरो कॉमा पी, राइट? एंड आई विल गेट द रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी, और यू कुड हैव इंस्टेड डम डन डी जी ऑम ऑफ वन कॉमा पी, सेम आंसर आएगा, करेक्ट? बट उसने क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे कैलकुलेट करो, तो अपने वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बस, ठीक है? समझ आया? कोई भी दिक्कत? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या लिखा है, ड्रॉ अ स्टेप्ड ग्राफ ऑफ द सीडीएफ, ठीक है? अच्छा, अभी तक हमने जो प्लॉट किया वो बार प्लॉट था, है ना? स्टेप्ड ग्राफ नहीं था। स्टेप्ड ग्राफ के लिए एक अलग फंक्शन है, ठीक है? स्टेप्ड ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब के लिए अलग फंक्शन है, ठीक है? कॉल दी, कॉल दी व्हाट, टेल मी व्हाट फंक्शन, वी हैव डन दिस यस्टरडे। लाइंस टू ओवर प्लॉट के लिए था प्लॉट, ठीक है? तो प्लॉट फंक्शन करके है जिससे अपने स्टेप्ड ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब प्लॉट फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू वुड हैव डन इट ऑन पेन एंड पेपर। आप पेन एंड पेपर के पे करते हैं कोई भी चीज, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चाहिए होते हैं ना, है ना? तो प्लॉट फंक्शन में भी एक्स एंड वाई दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है? एक बार हेल्प में जाके देख लेते हैं। प्लॉट डॉट डिफ, क्या नाम था, प्लॉट डॉट डिफॉल्ट में आएगा। देखो एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स भी देने हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स भी देने हैं। बार प्लॉट में क्या था, केवल वाई वाला देना था क्योंकि हाइट से लिखा हुआ था, है ना? प्लॉट में एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। ओके, क्लियर है? बताओ। या लेट्स अगेन टेक द रेंज ऑफ एक्स टू बी 0 to 10, या राइट? एक्स इक्वल्स व्हाट, ऑलरेडी स्टोर्ड है, बट आई विल अगेन एनीवे स्टोर 0 to 10, या व्हाट इज माय न्यू वाई, क्या किस चीज का मुझे स्टेप ग्राफ बनाना है? सीडीएफ का। सीडीएफ के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, पी। सो पी जी ऑम ऑफ एक्स कॉमा पी, यस। तो देखो वाई में, अगर मैं वाई, अरे क्या हूँ, टू समथिंग इज गॉन रॉन्ग, समथिंग इज नॉट वर्किंग विथ माई आर, जस्ट अ सेक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई थिंक आई हैव टू, कूल हो गया। चलो सो क्या हुआ, वाई का मेरे, देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज आ गई 11 की 11, ठीक है? सो दीज आर माई 11 सी डी एफ वैल्यूज, या नाउ ये मेरे एक्स एंड वाइज हैं, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना, किसी भी ग्राफ के लिए, है ना? तो मैं क्या करूँगा, प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई। प्लॉट फंक्शन में मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी देना है पहले, फिर वाई कोऑर्डिनेट भी देना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, देखो एक ग्राफ तो बन गया, बट क्या है, सर्कल्स आए हैं, स्टेप्ड लाइन नहीं आई ना, ठीक है? स्टेप्ड लाइन मुझे स्टेयरकेस जैसी, सीढ़ी जैसी लाइन चाहिए ना एक, तो उसके लिए एक और आर्गुमेंट है कॉल्ड टाइप, ठीक है? देखो यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं, पी फॉर पॉइंट्स, एल फॉर लाइंस, बी फॉर बोथ पॉइंट्स एंड लाइंस, सी फॉर एम्प्टी, ओ फॉर ओवर प्लॉटेड, एस फॉर क्या, स्टेप्स। तो अपने टाइप इक्वल्स क्या यूज करेंगे, एस, अपने को स्टेप ग्राफ बनाना है, राइट? सो ऑल आई विल डू हियर इज टाइप इक्वल्स एस एंड आई विल गेट अ स्टेप ग्राफ, ठीक है? इसमें और क्या करना बाकी है अभी, इस ग्राफ में लेबलिंग, राइट? एक्स लैब, वाई लैब, मेन कर लो। आई जस्ट कॉपी दैट स्टफ आउट फ्रॉम अबव, नंबर ऑफ डॉटर्स, दिस बिकम सीडीएफ, सीडीएफ एंड सॉरी, ओके, ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस? चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट आर दे सेइंग इन द नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ सॉरी कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डॉटर्स एक्स बिफोर द फर्स्ट सन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज 0.9, करेक्ट?
ये क्या है, इनवर्स CDF जैसा दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.9 है, अपने को स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है ना। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, क्यू डी पी डी एफ पी सी डी एफ क्यू इनवर्स CDF, ठीक है। तो अपने को 0.9 इज माई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, राइट, आई नीड टू फाइंड स्मॉल एक्स, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देखो पार्ट ए में आई डू क्यू जियोम ऑफ, टेल मी वॉट क्या होंगे दोनों आर्ग्यूमेंट्स मेरे, उल्टा 0.9 कॉमा पी, पहले जिस पॉइंट पे करना है उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू 0.9 कॉमा पी, ओके। अब देखो ये वाले पार्ट में क्या करेंगे, पार्ट बी में, ठीक है, जैसे वहां पे लेस देन इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको ग्रेटर देन करना है तो क्या करोगे, लोअर टेल फॉल्स, जो पी पी जीओम में पी बायनोम में किया था ना, सेम चीज यहां भी, ठीक है। सो क्यू जीओम ऑफ 0.4 कॉमा पी कॉमा लोअर टेल इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, ऑल गुड। एनी क्वेश्चंस गाइस, या समझ आ रहा है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा कम समझ आ रहा होगा आपको, बट फिर भी ठीक है, मतलब ऑल गुड, ठीक है। आप पिकअप कर पा रहे हो, आपका नाम क्या है, आपको आपको समझ आ रहा था, ऑल गुड, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया। पार्ट सिक्स क्या है, ऑब्टेन 1000 सिमुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ डॉटर्स बिफोर द फर्स्ट सन यूजिंग अ सीड ऑफ 47, क्या कह रहे हैं, सिमुलेशन जनरेट करना है ना, ऑब्टेन 1000 सिमुलेशंस, राइट, गिवन एक्स फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेट 1000 सिमुलेशंस, हाँ कि ना, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आरजीओम है ना, डी पीडीएफ के लिए, पी सीडीएफ के लिए, क्यू इनवर्स सीडीएफ के लिए, और आर रैंडम सिमुलेशन जनरेट करने के लिए। तो अपने यूज क्या करेंगे, पार्ट सिक्स में आई विल बी यूजिंग आरजीओम ऑफ व्हाट, 1000, पहला आर्गुमेंट है कितने सिमुलेशंस, दूसरा आर्गुमेंट है पी, बट जैस मैं क्या ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हम सबके आंसर्स ये करने से डिफरेंट आएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैंडम सैम्पलिंग का फंक्शन है ना। सो द फंडा हियर इज, बताओ कल वालों जिन्होंने सेट डॉट सीड, व्हाई नाउ आर इज आल्सो स्मार्ट कि अपने को आंसर्स किसी पॉइंट पे सेम चाहिए होंगे, राइट, जस्ट टू वेरीफाई आर आंसर्स, राइट, बिकॉज वी विल डू सम एनालिसिस बेस्ड ऑन दीज सिमुलेशंस, या सो आर प्रोवाइड योर फंक्शन, इफ वी डू समथिंग कॉल्ड setting our seeds to a particular number, okay, then our simulation numbers will be exactly the same, theek hai, that function is called set dot seed, theek hai, set dot seed, aur question mein likha rahega kis number pe seed set karo, yahan pe set seed kya kaha hai, 47, to main set dot seed 47 pehle run karunga, theek hai, uske baad main sare simulations ko kahin store kar deta hu, theek hai, s1 equals rgom, और पहले सेट डॉट सीड 47 उसके ठीक बाद वाले लाइन पे s1 equals rgom, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट डॉट सीड के बाद कुछ और रन कर दिया उसके बाद rgom रन किया, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार गारंटी कर रहा है कि मेरे अपने रिजल्ट सेम आएंगे, दूसरी बार के दूसरे रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। अब एक बार कैसे समझ में आएगा कि अपने सारे सेम है रिजल्ट, सम ऑफ s1 करके देख लो, ये 1040 आ रहा है ना, सम क्या करता है, सारे नंबर्स का एडिशन कर देता है ना, समझ आया, अलग आ रहा है, तो एक काम करो सेट डॉट सीड पहले रन करो, ठीक है, फिर उसके बाद s1 rgom रन करो, कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर, देन सम ऑफ s1 वापस करो, जहां तक है सेम आ जाएगा, सही है, तो ऑर्डर मैटर्स हियर अ लॉट, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, हेंस कैलकुलेट दी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज फॉर पार्ट थ्री एंड कमेंट, ठीक है, पार्ट थ्री में क्या प्रोबेबिलिटीज की थी, एटमोस्ट 4 डॉटर्स, मोर देन 2 डॉटर्स एंड 1 डॉटर, ठीक है, ये क्या करना है, उस समय हमने क्या किया था, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, अब क्या करना है, एम्पेरिकल निकालना है, मतलब
एग्जैक्टली जो सिमुलेशन जनरेट किए हैं उसके बेस पे जो प्रॉबिलिटीज कैलकुलेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल प्रॉबिलिटीज। ओके, जो सो सिमुलेटेड प्रॉबिलिटीज हो। कैसे करोगे, S1 के रेफरेंस में वो प्रॉबिलिटीज कैलकुलेट होंगी, लेंथ एंड इंडेक्सिंग करके करेंगे। देखते हैं पहले, अच्छे से समझते हैं ये क्या मेथड है। तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इन द फर्स्ट पार्ट आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट, x लेस देन इक्वल टू 4, या यस और नो। तो मैं पहले ये देखूंगा कि मेरे सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन हैं जो लेस देन इक्वल टू 4 हैं, हाँ कि ना, और मैं उनको पहले पुल आउट करूंगा। ठीक है, आई विल टेक अ काउंट ऑफ दोज नंबर्स एंड आई विल डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ सिमुलेशंस। दैट्स हाउ आई विल गेट द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। बताओ हाँ कि ना, है ना। आई विल काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू 4, आई विल डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सिमुलेशंस, आई विल गेट द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब ये r के थ्रू डायनामिकली करता है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इंडेक्सिंग करूंगा। हमने इंडेक्सिंग आज सीखा, S1 अगर ब्रैकेट 3 लिख देता हूं तो थर्ड एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं लॉजिकल कंडीशन भी डाल सकता हूं कि S1 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, S1 के वो सारे नंबर्स निकालो जहां पे S1 4 या 4 से कम है। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स निकाल दिए, क्या मुझे इनके एग्जैक्ट नंबर से फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे क्या चाहिए, ये कितने हैं, ये है ना, काउंट चाहिए इनका। कौन सा फंक्शन देखा था जो वेक्टर का काउंट बता देते हैं? तो मैं इसका, इसके बाहर एक लेंथ लगा दूंगा, लेंथ ऑफ दिस आ गया। कितने नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4 है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर्स है 1000, या डायनेमिकली करना है तो क्या, लेंथ ऑफ S1। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज एट मोस्ट 4, सिमिलरली मोर देन 2। तो क्या चेंज होगा मोर देन 2 में, बस ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है ना, सही है, बताओ हाँ कि ना, ट्राई करो। x इक्वल्स 1 का कोड आप लोग मुझे बताओगे, ट्राई करो, यहाँ पे क्या आएगा अंदर, सॉरी ग्रेटर देन 2 होगा, थैंक यू। सॉरी 0.139 है। नेक्स्ट वाला क्या क्या किया उसमें, कोड बताओ। हाँ, उतना मेहनत नहीं करना, मुझे एक ही बार में करना, मुझे लेस देन इक्वल टू अगर यूज नहीं करना, मुझे एक्स इक्वल्स 1 में एक्स इक्वल्स 1 वाला फॉर्मूला बताओ, क्या करोगे यहाँ पे, इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, है ना, ब्रिंग आउट दोज नंबर्स ऑफ S1 वेयर S1 इज इक्वल टू 1। इक्वल टू का लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू के लिए इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, जस्ट एक बार इक्वल टू का साइन नहीं होगा, दो बार इक्वल टू का साइन आएगा, तो इक्वल टू 1। ठीक है, तो द लॉजिकल ऑपरेटर फॉर बीइंग इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए क्या होता है, सॉरी, एक्सक्लेमेशन एंड देन इक्वल टू। तो एक्सक्लेमेशन इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल टू। ओके, कोई भी दिक्कत यहां तक, बताओ समझ में आ रहा है सबको, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जब, अच्छा ये पार्ट ए हुआ हिसाब से, पार्ट बी में कह रहे हैं फॉर पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, ये इनवर्स CDF वाली है ना। कल कौन सा फंक्शन यूज किया था इसके लिए, क्यूबाइनम तो थ्योरेटिकल के लिए किया था पार्ट 5 में। अगर अपने को वही सैंपल के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, क्वांटाइल, है ना। तो अपने इनवर्स CDF के लिए, हाँ 0.9 के लिए निकाल सकते हैं, इनवर्स CDF के लिए अपने क्यू बाइनोम यूज किया था, क्यू जियोम यूज किया है ना, थ्योरेटिकल के लिए
सैंपल के लिए करना है, फॉर इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सैंपल करना है, तो द फंक्शन विल यूज इज क्वांटाइल. ओके, कैसे यूज करेंगे देखो. पहले वो आएगा, सॉरी दिस इज स्टिल द सेम पार्ट, दिस इज जस्ट पार्ट बी. ओके, सो इट इज क्वांटाइल ऑफ, पहले रहेगा किस वेक्टर में अपने सारे सिमुलेशन स्टोर्ड है, ठीक है, फिर कौन सा परसेंटाइल निकालना है, कौन सा परसेंटाइल निकालना है, 0.9, राइट, 0.9, ठीक है. तो थर्ड थ्री है जिसमें क्वांटाइल आ रहा है. इसका सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या आएगा, जहां पे ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन एक्स, इसमें क्योंकि लोअर टेल फॉल्स बोल के कुछ है नहीं, अब इसका क्या करोगे, वन माइनस 0.4 कर दोगे, हाँ कि ना, बताओ क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू से 0.4, राइट, आई कैन ऑल्सो से दैट वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.4, या आई जस्ट डन अ वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन एक्स इक्वल वन माइनस लेस देन इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, राइट, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बिकम्स व्हाट, वन माइनस 0.4 इक्वल्स 0.6, यस और नो, बताओ. तो क्वांटाइल ऑफ एस वन कॉमा 0.6 लिख सकता हूँ, समझ आया, क्वांटाइल फंक्शन समझ में आया सबको, है ना, पहले किस वेक्टर का क्वांटाइल या परसेंटाइल जो भी बोल लो वो निकालना है, वो वेक्टर कॉमा क्या परसेंटाइल निकालना है, ठीक है. चलो लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट देन, कंपेयर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिमुलेटेड वैल्यूज. ओके, तो एक्चुअल एंड एम्पेरिकल मीन एंड वेरियंस निकालूंगा और कंपेयर करूंगा, ठीक है. चलो बींग आर, यहाँ पे सब कुछ सैंपल का निकालना बहुत इजी है, राइट. सॉरी श्रेया, बताओ बताओ सर, उसमें कमेंट भी तो करना है ना प्रीवियस क्वेश्चन में. अच्छा, कमेंट करेंगे, राइट, विल कमेंट, विल कम बैक टू द कमेंट. उसके पहले सक्षम भूमि, सॉरी आई मिस्ड योर थिंग्स, जब व्हेन आई मिस ना फील फ्री टू इंटरप्ट एंड टेल मी कि सर ये बता दो, ठीक है. तो पहले वाले पार्ट में क्या क्वांटाइल है ना, तो क्वांटाइल बेसिकली क्या करता है, आपको कोई भी, अच्छा क्वांटाइल स्टार्ट करने के पहले याद करो, अपने जब क्लास 9-10 में मीडियन निकालते थे किसी सैंपल का, क्या करते थे, असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते थे सारे नंबर्स को, स्मॉल टू लार्ज में अरेंज करते थे, है ना. उसके बाद क्या करते थे, एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, राइट, यस और नो. अगर अपर क्वांटाइल निकालना होता था, मतलब 75th परसेंटाइल, देन इट यूज्ड टू बी समथिंग ऑफ 3 × (n+1/4) ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ होता था, है ना. आर यही सब चीज आपके लिए बैकग्राउंड में कर रहे हैं व्हेन यू आर यूजिंग द क्वांटाइल फंक्शन. इट इज फर्स्ट अरेंजिंग एस वन इन एन असेंडिंग ऑर्डर, राइट, इन द बैकग्राउंड, आपको नहीं मतलब है उससे, एंड देन फाइंडिंग वॉट एवर परसेंटाइल और क्वांटाइल ऑफ वैल्यू दैट यू वॉन्ट टू गेट. तो यहाँ पे मुझे मिल रहा 98 परसेंटाइल ऑफ द वैल्यू, मतलब अगर मैं सारे वैल्यूज को इन एन असेंडिंग ऑर्डर स्टोर करूं, तो वो कौन सा नंबर है जिसके नीचे 90% ऑफ द वैल्यूज है और जिसके ऊपर 10% ऑफ द वैल्यूज है, ठीक है. लेस देन दैट 90% ऑफ द वैल्यूज, ग्रेटर देन दैट 10% ऑफ द वैल्यूज, या सक्षम भूमि, इज दैट क्लियर, बताओ, या कूल, परफेक्ट. वी वॉन्टेड टू कंपेयर दोज वैल्यूज इज वेल, क्या क्या वैल्यूज कंपेयर करना ना, थियोरेटिकल एंड दी एम्पेरिकल, राइट. तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये तीनों की वैल्यूज ये आई थी, राइट, दीज आर माई वॉट एम्पेरिकल वैल्यूज, या एस वन यूज करके ना, लेंथ ऊपर में कहाँ पे है, ये अपनी ये और ये थियोरेटिकल वैल्यूज है ना. तो दिस वर्सेज दिस, राइट, दिस वर्सेज दिस एंड दिस वर्सेज दिस वर्सेज दिस, कैसी वैल्यूज हैं, सेम रेंज में, लुकिंग ऑलमोस्ट द सेम, राइट. तो आ कमेंट में भी कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, राइट. कभी कभी मतलब ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स कि कितना कमेंट करना है, डिपेंड करता है कमेंट कितने मार्क्स के लिए आया है, ठीक है. कमेंट से अगर ज्यादा मार्क्स के लिए बोलोगे ये इससे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे ज्यादा है, ठीक है, वी हैव ओवर एस्टिमेटेड दिस प्रोबेबिलिटी, अंडर एस्टिमेटेड दिस प्रोबेबिलिटी, कल जो जो बात कर रहे थे ना वो सारी चीजें लिखेंगे,
बट ज्यादा कम मार्क्स के लिए तो क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है. अनटिलनेस ऐसा नहीं हो कि 1.1 हो, एक सीधा 0.3 हो, तब तक अपने बोलेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, क्लियर? कोई भी दिक्कत इसके लिए भी कर लेते हैं. चलो क्यू वालों के लिए कहाँ गई है, ये था अपना थ्योरेटिकल राइट, और ये आया अपना सेम है ना, थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल यहाँ पे सेम है, 3311. या ऑल गुड. चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं, मीन एंड वेरियंस. जब अपने को कंपेयर करना था, बीइंग आर एम्पेरिकल निकालना बहुत इजी है राइट, देर आर इनबिल्ट फंक्शन फॉर यू टू कैलकुलेट दैट. मीन के लिए कौन सा फंक्शन है, मीन फंक्शन. ठीक है, तो मैं मीन ऑफ S1 निकालूंगा और मेरा एम्पेरिकल मीन आ गया. वेरियंस के लिए क्या फंक्शन है, वार ऑफ S1 राइट, दैट विल गिव यू द वेरियंस ऑफ द लाइक एम्पेरिकल वेरियंस राइट. अब आते हैं एक एक करके थियोरेटिकल पे. थियोरेटिकल मीन क्या है, 1/p तब है जब x इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ व्हाट. देखो 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 देखो, ज्योमेट्रिक में हमने शायद थ्योरी में पढ़ा होगा कि मीन 1/p है कहीं पे. मीन एंड वेरिएंस रह गया था, तो किसी भी चीज का अगर मीन और वेरिएंस रह गया ना, तो टेबल्स बुक में सब कुछ है. टेबल्स बुक खोलो, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ. द ट्रायल इन विच द फर्स्ट सक्सेस अकर्स, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट ट्रायल. तो एक का फर्क हुआ कि नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है. अब देखो, इफ यू गो टू द टेबल्स बुक, इन व्हाट पेज आई विल टेल यू. वन माइनस पी बाई पी, करेक्ट. सो दैट इज योर मीन ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जहां पे माय रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट ट्रायल. या यस और नो, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ज्योमेट्रिक में, द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज नेगेटिव बाइनोमियल विद पैरामीटर के इक्वल्स वन. या सो आई विल गो टू नेगेटिव बाइनोमियल व्हिच इज दिस नेगेटिव बाइनोमियल, ये रहा के क्यू बाई पी राइट, दिस इज व्हाट क्यू बाई पी. ठीक है, तो 1 - p/p हो गया, q इक्वल्स 1 - p राइट. सो व्हाट विल आई से, 1 - p ब्रैकेट्स में डिवाइड बाय p, 0.96, 1.04. क्या बोल सकते हो, एम्पेरिकल मीन इज स्लाइटली हायर. या समझ में आया. सिमिलरली वेरिएंस निकाल लो, क्या है, q बाय पी स्क्वायर 1 - p/p स्क्वायर, वो भी कर लो. तो 1 - p डिवाइड बाय पी स्क्वायर 1.88, और वहां पे भी ज्यादा है. सो वेरियंस एंड मीन दोनों अपना सैंपल का स्लाइटली हायर इज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, विच मीन्स वेरियंस ज्यादा है. सैंपल का मतलब द स्प्रेड ऑफ द सैंपल इज मोर एज कम्पेयर टू थ्योरी. स्प्रेड क्यों, बिकॉज वॉट इज वेरियंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन. सो इट इज चेकिंग वॉट इज द डिफरेंस अराउंड द सेंटर ऑफ द डेटा. एक्स बार को अगर मैं सेंटर मानू, एक्स माइनस एक्स बार हो गया ना डिविएशन अराउंड द सेंटर, उसको स्क्वायर करके सम अप कर दे रहा हूँ. तो एक तरीके से सोचो, बोल रहा है ना कि मेरा डेटा सेंटर से कितने दूर है, बताओ, हाँ कि ना, राइट? एंड देन वी आर समिंग इट अप. सो इट इज अ लाइक इंडिकेशन ऑफ हाउ स्प्रेड माई डेटा इज अराउंड द सेंटर ऑफ द डेटा. यस और नो, टेल मी. या कूल, सो अगर सैंपल का वेरियंस ज्यादा है, सो आई कैन से दैट माई डेटा इज मोस्ट स्प्रेड in the sample is compared to the theoretical distribution. Cool. Any questions so far? All good? Yeah? Chalo. Let's look at the next exercise then. So this is about negative binomials. So this is slightly more tricky. Koi nahi. Apne karenge, samajh mein aa jayega. Kya likha dekhte hain. The probability that a person will believe a rumor about a particular political scandal is 0.8. Theek hai? To ek banda hai, वो कोई रूमर पे बिलीव करेगा स्कैंडल के बारे में, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.8. ठीक है, रैंडमली. नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नाइंथ पर्सन
हियर द रूमर विल बी द फोर्थ पर्सन टू बिलीव इट, ठीक है, कि नाइन्थ पर्सन इज अ फोर्थ पर्सन टू बिलीव इट. तो उसके पहले 8c3 p2d3 1 माइनस p2d5 कर सकते हैं, है ना, और फिर लास्ट में इनटू p कर सकते हैं, बताओ हाँ कि ना. ये किया था ना अपने नेगेटिव बाइनोमियल में, कर लो. तो अपने स्टोर कर लेते हैं, आई क्लियर आउट द एनवायरनमेंट सो दैट आई डोंट कैन गेट कंफ्यूज विद माय वेरिएबल वैल्यूज. पार्ट वन में p इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.8, या कर लो. अच्छा, c का एक फंक्शन है r में, चूज फंक्शन है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5c2 कैलकुलेट करना है, चूज ऑफ 5.2 करोगे 5c2 कैलकुलेट हो जाएगा. यहाँ पे क्या करना है, चूज ऑफ 8c3, है ना, तो 8.3 राइट इनटू व्हाट, p2d पार, टेल मी, p2d पार 3 कर लो, बाद में एक और p मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इनटू 1 माइनस p2d पार व्हाट, कितने टोटल फेलियर है, 5, 9 माइनस 4 5 राइट इनटू अनदर p, या this should give me the negative binomial probability, yes or no? batao ha ki na, is this clear to everyone? theek hai, ek baat batao, ye kya pdf nikal rahe hai, probability of x equals something, yeah, I'm finding probability of x equals, if I'm talking about the trial in which the kth success occurs, right, then it becomes x equals say 4 or 9, whatever, yeah, yes or no? So kya pdf ek tarike se hai na, to guess karo r mein inbuilt function ka naam kya hoga, dn binom na, pdf ke liye d. अब d तक क्या सीखा, d binom, d geom, अब क्या सीख रहे हो, dn binom. तो यहां भी चार होंगे, dn binom, pn binom, qn binom, rn binom. देखते हैं, हेल्प में जाके देखते हैं. अब dn binom है ना स्लाइटली ट्रिकियर, ठीक है, व्हाई इट इज स्लाइटली ट्रिकियर, यहां पे नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि दिस फॉलोज बेसिकली योर टाइप 2, ठीक है. तो नेगेटिव बाइनोमियल में दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2, ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है, रैंडम वेरिएबल का फर्क होता है, ठीक है. जो हमने अभी किया वो टाइप 1 के पैरामीटर्स को यूज करके किया, ठीक है, x ये चूज निकालना, फिर p2d पार x, q2d पार x माइनस k कर देना, ठीक है. नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 में इट्स स्लाइटली डिफरेंट, यू हैव अ डिफरेंट pdf, यू हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके, व्हाई, बिकॉज़ द वे वी आर डिफाइनिंग अ रैंडम वेरिएबल that is slightly different, okay, we'll see what is different between the two, how we are differently defining a random variable, theek hai, dekhte hain, chalo is par inke parameters ko, kya hai yahan pe, x size prob mu, theek hai, charo cheez samajhne ki koshish karenge ki ye char cheez kya hai, okay, what is size, target number of successful trials, theek hai, ये यहाँ पे क्या होगा बताओ, अपने केस में कितने फोर, अपने को टोटल चार सक्सेसफुल ट्रायल चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइज है 4, बताओ हाँ कि ना, यस, प्रॉब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, लिखा है ना, प्रॉब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो वो क्या होगा, 0.8 होगा, वो भी सही है. एक और चीज बाकी है जो है x, है ना, ठीक है, टाइप 2 में x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स, ओके, मैं आपको कह देता हूं कि टाइप 2 में द pdf द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स, ओके, तो बताओ x क्या होगा, नंबर ऑफ फेलियर्स, फेलियर कितने हुए टोटल, अच्छा नॉट ट्रायल हुए टोटल,
ठीक है, चार सक्सेस हुए तो फेलियर कितने हुए, पांच हुए ना, हाँ कि ना बताओ, समझ में आया। आर में केवल टाइप टू ही चलता है, टाइप वन नेगेटिव बाइनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आपको डीएन बाइनोम, पीएन बाइनोम, क्यूएन बाइनोम, आरएन बाइनोम यूज करना है तो अपने को टाइप टू समझना होगा, ठीक है। तो इफ आई से दैट कैपिटल एक्स इज फॉलोइंग टाइप टू नेगेटिव बाइनोमियल, सो व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द के एथ सक्सेस, राइट। समझ में आया, बताओ, क्लियर है। चलो तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, डी एन बाइनोम ऑफ व्हाट व्हाट डिड आई से, एक्स क्या है अपना यहाँ पे, नंबर ऑफ फेलियर्स विच इज 9 - 4 - 5, के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस 4, एंड प्रॉब पी स्टोर्ड है, देख लो सेम आंसर आ गया। एक बात बताओ, अगर आप बोलो कि चौथा सक्सेस जब हो है ना, उसके पहले पांच फेलियर हो जाने चाहिए, तो आप ये भी तो कह रहे हैं पांच फेलियर हो जाए, तीन सक्सेस हो जाए उसके पहले, एक ही बात हो गया ना, इट इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग, ठीक है। आप बोल रहे हो टोटल 9 ट्रायल्स हो और 9 ट्रायल में चौथा सक्सेस हो, है ना, या आप कह रहे हो चौथा सक्सेस आ गया है और उसके पहले पांच फेलियर्स भी हो गए हैं, तो बात यही हुआ ना कि 9th ट्रायल में चौथा सक्सेस आया, बताओ हाँ कि ना, राइट। तो द रैंडम वेरिएबल इन टाइप टू नेगेटिव बाइनोमियल इज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द के एथ सक्सेस, अंडरस्टूड, एनी क्वेश्चंस, या कूल, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, सो हियर वी विल लर्न समथिंग न्यू अगेन, ड्रॉ 4 बार चार्ट्स इन अ 2x2 ग्रिड showing the probability function for negative binomial distributions with p equals 0.8 and k equals 1, 2, 3, 4 with tiles showing the value of k. So let's break it down into various parts of this question and then talk about it. ठीक है, अभी तक हम जो भी प्लॉट करते थे, अभी पूरा प्लॉट विंडो ऑक्यूपाई कर लेता था ना, इट ऑक्यूपाइज द एंटायर प्लॉट विंडो। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ड्रॉ फोर चार बार चार्ज इन अ 2x2 ग्रिड, कह रहा है इसको 2x2 ग्रिड में पहले तो स्प्लिट करो, सो दैट आई कैन प्लॉट 4 बार चार्ज साइमल्टेनियसली, ठीक है। सबसे पहले उसका एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है आर को बताने के लिए कि देखो मैं अब चार प्लॉट करने वाला हूँ, तुम इसको साइमल्टेनियसली कर देना, अपने 2x2 ग्रिड में डिवाइड करके रखो, ठीक है। वो फंक्शन है पार एम एफ रो, देखो ये कैसे यूज होता है, पार ऑफ एम एफ रो, ठीक है, इक्वल्स सी, ठीक है। इसमें दो आर्गुमेंट दोगे, पार ब्रैकेट ओपन एम एफ रो इक्वल्स सी, देन आई विल ओपन माय ब्रैकेट्स, आई राइट ए कॉमा बी समथिंग कॉमा समथिंग, ए समथिंग द फर्स्ट समथिंग इंडिकेटिंग कितने रोज होने चाहिए मेरे ग्रिड में, द नेक्स्ट इंडिकेटिंग कितने कॉलम्स होने चाहिए मेरे ग्रिड में, ठीक है। अभी अपने को 2x2 ग्रिड बनाना है, तो ग्रिड में दो रो चाहिए, दो कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2, 2 पार ऑफ एम एफ रो ऑफ सी 2, 2। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने कुछ प्लॉट किया है नहीं, कब नजर आएगा, जब अपना प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कह क्या रहा है, क्या क्या प्लॉट करना है वो समझते हैं। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर नेगेटिव बाइनोमियल विथ पी इक्वल्स 0.8, तो चारों में पी 0.8 ही रहेगा, ठीक है। क्या चेंज होता रहेगा, के के क्या था यहाँ पे मेरा, टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस है ना, और वैल्यूज ऑफ एक्स कुछ नहीं है क्या, नहीं, तो मैं वैल्यूज ऑफ एक्स भी पहले सोच लूंगा कि मुझे चारों ग्राफ में एक्स का रेंज क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बना रहे हो तो एक्स का मल्टीपल रेंज होगा ना, केवल एक वैल्यू पे थोड़ी पीडीएफ बना के छोड़ोगे, एक्स मल्टीपल रहेंगे, हाँ कि ना बताओ, है ना। तो सोचो एक्स का रेंज क्या ले, अभी तक अपने क्या लेते थे एक्स का रेंज, P equals 0.8 है, तो नंबर ऑफ सक्सेस अच्छे खासे हो सकते हैं, एक बार 10 लेके ट्राई करें, 0 से लेके 10 करके ट्राई करते हैं, है ना, P 0.8 है तो लोगों का मारने का अच्छा चांस है, तो एक बार 0 से लेके 10 तक ट्राई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज x, x इज 0 is to 10, या देन विल यूज व्हाट, बार प्लॉट फंक्शन, बार चार्ट प्लॉट करना है ना, तो बार प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे,
पहला आर्गुमेंट क्या होता है बार प्लॉट फंक्शन में, हाइट, तो डायरेक्ट वाई की वैल्यूज कौन से फंक्शन से मिलेगी, पीडीएफ वाले फंक्शन से, नेगेटिव बाइनोमियल के लिए क्या फंक्शन है वो डी एन बाइनोम, ठीक है डी एन बाइनोम, एक्स अपना डिफाइंड है, ठीक है अब चार है, चारों में के डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट है, करेक्ट, दूसरा आर्गुमेंट डिफरेंट है, पहले वाले में क्या है के इक्वल्स वन, तो वन कॉमा पी है ना, देखो अब जो प्लॉट किया वन फोर्थ ऑफ द एरिया लिया है ना, बट इसमें और क्या चेंज करना है, नेम्स इक्वल्स व्हाट एक्स है ना, और चारों ग्राफ के बीच में समझ में तो आना चाहिए कौन सा में क्या के है, तो मेन में के इक्वल्स वन है ना। नाउ आर इज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये आपका पहला ग्राफ है, उसने वो सेकंड विंडो में प्लॉट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा एक बार दो बार वापस कर दूंगा, और तीस अब पांचवी बार जब वो करूंगा वो वापस पहले विंडो में ला देगा, ठीक है समझ आया, तो क्या चेंज करना है ऐसे ही करके और तीन बार करना है, हर बार क्या चेंज होता रहेगा के की वैल्यू, तो बस ये वाला जो मैं पैरामीटर है वो चेंज करता रहूंगा और मेन में अपना ये भी चेंज करता रहूंगा। ओके क्या चीज स्पेसिफिक, हाँ 0 to 10 हमने रैंडमली लिया, आप 0 to 8 भी ले सकते थे क्योंकि 8 तक ऑलमोस्ट सारी प्रोबेबिलिटी देखो 0 पे आ जा रही हैं, मतलब मेरा ये था कि ऐसी ऐसा के का नंबर लूँ जहां तक 0 दिखा दूं कि 0 आ गया है ना, क्योंकि जैसे जैसे के क्या है टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस है ना, तो जैसे जैसे के बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ फेलियर्स भी बढ़ सकते हैं ना, एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स है राइट, तो देखो क्या हो रहा है जैसे जैसे आप के बढ़ा रहे हो एक्स का वैल्यू 4 के लिए देखो प्रोबेबिलिटी शुरू में 0 थी, फिर थोड़ी आई, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी है ना, तो क्या हो रहा है जैसे जैसे टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ा रहे हो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ फेलियर्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है ना, आप कहोगे 4 सक्सेस के पहले कितने फेलियर हो गए और आप कहोगे 1 सक्सेस के पहले कितने फेलियर हो गए है ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ फेलियर ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी जैसे जैसे के बढ़ता जाएगा, फंडा समझ में आया है ना, यस ऑर नो गाइस टेल मी क्या एरर आ रहा है बताओ, एक काम करो ये जो प्लॉट वाला जो विंडो है ना इसको अच्छे से बड़ा करो और फिर एक एक करके प्लॉट करो, लाइक इसके मार्जिन्स को क्लिक करके अच्छे से बड़ा करो एंड देन प्लॉट इट आउट, मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम इन, फिर भी नहीं आया तो बताना, के टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस देखो हेल्प में, दैट इज हाउ वी डिफाइन राइट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट साइज और के वॉट एवर, ठीक है विच इज वॉट टारगेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, एक्स यहाँ पे है नंबर ऑफ फेलियर्स, नेगेटिव बायनोमियल में टाइप टू में द रैंडम वेरिएबल एक्स इज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द के एथ सक्सेस, ठीक है श्योर, अच्छा एक बात बताओ के है 1 ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस कितने, एक के है, केवल ये दोनों ग्राफ देखना K1 और K4 ठीक है, K4 क्या है नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल्स 4, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी नहीं, एक्स एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ फेलियर्स, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल है, नेगेटिव बाइनोमियल में एक्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हाँ तो व्हाट इज कैपिटल एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स है ना, तो नेगेटिव बाइनोमियल का ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ क्या है फेलियर्स, समझ में आया, वाई एक्सिस में क्या है प्रोबेबिलिटी कि ये सिचुएशन हो है ना, कि 0 फेलियर्स हो और एक सक्सेस हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, समझ में आया, जैसे जैसे मैं के इक्वल्स 4 पे आया वो प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना, 4 पे आ गई कि 4 सक्सेस हो और 0 फेलियर्स हो, प्रोबेबिलिटी तो कम हो ही जाएगी ना, बात बताओ है ना, आपको ये बोलना पड़ेगा कि 4 लोग लगातार मान रहे हैं आपकी बात, क्या हो जाएगा 0.8 to the power 4 हो जाएगा, वही आ रहा है 0.4 के आसपास कुछ आ रहा है ना, समझ में आया, तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे टारगेट नंबर ऑफ सक्सेस बढ़ते जा रहे हैं द
प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर फेलियर्स हैपनिंग इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो आपका ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना? समझ में आया सबको? बताओ, ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस गाइस? या कूल, दैट केस लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये पार एम एफ रो यूज करते हो, क्या हो गया, 2x2 ग्रिड में स्प्लिट हो गया ना, कि आपने को हमेशा 2x2 ग्रिड यूज करना है? नहीं, तो अपने हमेशा पार एम एफ रो क्या करेंगे जिससे हमेशा वापस 1x1 ग्रिड पे आ जाए, 1,1 या 2,2 क्या 2x2 ग्रिड के लिए, 1x1 ग्रिड के लिए क्या करोगे, 1,1. समझ आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताओ बताओ, कोई भी दिक्कत इसमें? बढ़िया, चलो आगे बढ़े. और डू वी वॉन्ट अ मिनट और टू? ऑल गुड? यहां तक हो गया ना सबका? कोई भी एरर वेरर कुछ नहीं आ रहा? चलो बढ़िया, आगे देखते हैं. यूज नेगेटिव बाइनोमियल सीडीएफ टू कैलकुलेट सीडीएफ. कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पी, क्या पी एन बाइनोम, ठीक है, डी पी क्यू आर, ठीक है, एट मोस्ट टू पीपल, मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, या यस ऑर नो? तो पी एन बाइनोम ऑफ टू कॉमा के कॉमा पी. के क्या है यहाँ पे? के इन्होंने वही ऊपर वाला यूज कर लेंगे, फोर वाला, है ना? वही फोर्थ सक्सेस वाला यूज करेंगे, ठीक है, 4.8 कर लोगे, बताओ हाँ कि ना? तो के हमने कहीं ऊपर स्टोर किया था ना, नहीं स्टोर किया था ना, चलो 4.p डायरेक्ट लिख देते हैं. समझ आया? क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दैट 0 पीपल डिडंट बिलीव, 1 पीपल डिड, 1% डिडंट बिलीव, 2 पीपल डिडंट बिलीव, तीनों का समेशन, ठीक है, जब टारगेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स 4 है. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? मोर देन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, है ना, मोर देन 3 पीपल डिडंट बिलीव द रूमर फॉर द फोर्थ पर्सन डिड. अच्छा यहाँ पे लिखा है बिफोर द फोर्थ पर्सन डिड, ठीक है, तो आपको के की वैल्यू दी गई थी 4 यहाँ पे, टारगेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स. तो क्या पी एन बाइनोमी यूज करूंगा मैं, ठीक है, 3,4,p मैंने लिख दिया. एक और आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी करना है ना, तो लोअर टेल फॉल्स, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? सही है, क्योंकि ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो लोअर टेल फॉल्स. समझ आया? है ना, चलो कर लो ये ट्राई आउट कर लो सब लोग, सबके आंसर सेम आ रहे हैं ना, देख लो. सर मेरा ग्राफ डिफरेंट आ रहा है. ग्राफ डिफरेंट आ रहा है यार, ग्राफ तो सेम ही आना चाहिए था. आप एक बार एक्स पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 0.8. 0.8 है तब तो ग्राफ सेम ही आना चाहिए था. लाइक व्हाट इज डिफरेंट, लाइक इज इट टू स्मॉल, इज द पैटर्न डिफरेंट आल्सो? Pattern is like it is from increase decreasing to increasing. It is right, right? बढ़ रहा है और कम हो रहा है फिर. एक बार एक काम करो, आप पूरा कोड मुझे चैट बॉक्स में भेजो, मैं देख लूंगा. हाँ सर, ठीक है. हाँ, एनी क्वेश्चंस गाइस? ऑल गुड? चलो जब तक अनेरी चैट बॉक्स में भेजे रिजल्ट, तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे? कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट बिलीव द रूमर कैपिटल एक्स बिफोर द फोर्थ पर्सन डिड. ये पार्ट आप लोग खुद करो, मुझे बताओ क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कोड यूज होगा, कौन सा फंक्शन यूज होगा. फंक्शन बता दो पहले, क्यू एन बाय एन, ठीक है, करो. सर आई गॉट माय मिस्टेक, आई रोट डी बायनोम इंस्टेड ऑफ डी एन बायनोम. कोई नहीं कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया. या चलो, सो क्यू एन बायनोम, राइट, पहले वाले में क्या लेस देन इक्वल टू है, तो 0.75,4,p, या नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अगेन 0.75, बट दिस टाइम इट्स ग्रेटर देन एक्स, सो क्या होगा चेंज यहां पे, लोअर टेल फॉल्स.
सो आंसर था 2 and 0। ऑल गुड गाइज, एनी क्वेश्चंस? या अच्छा, आई कुड हैव, अगर मुझे लोअर टेल यूज करना पसंद नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, राइट? एंड आई कैन कैलकुलेट दिस एज 1 माइनस PN बाइनोम ऑफ व्हाट, क्या हो रहा है ये, PN बाइनोम ऑफ 2,4,P। हाँ कि ना, क्या गलती किया मैंने यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू 3 होगा ना, ग्रेटर देन 3 निकालना है तो 3 भी तो माइनस करना होगा ना। आ रहा है वो आंसर, सेम देख लो, वही आ रहा है, वही 0.03344। अगर इसमें मुझे लोअर टेल फॉल्स यूज नहीं करना है तो क्या करूंगा मैं, बताओ? 0.25, राइट? तो इसमें बाहर 1 माइनस नहीं करें, अंदर मत माइनस करना है, वहां पे बाहर 1 माइनस करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर रहे हैं, वहां पे आउटपुट प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस आउटपुट, यहाँ पे इनपुट प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस इनपुट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, पार्ट 5 क्या लिखा है, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ऑब्टेन 2,000 सिमुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट बिलीव द रूमर बिफोर द फोर्थ पर्सन यूजिंग अ सीड ऑफ 57। यूज टू फंक्शंस, व्हाट आर दोस टू फंक्शंस? राइट, सो पहले सेट डॉट सीड ऑफ 57, राइट? आफ्टर दैट S1 इक्वल्स, या जो भी, मतलब वॉट एवर वेक्टर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउट ऑफ इट, RN बायनोम ऑफ वॉट? कितने सिमुलेशंस है क्वेश्चन में देखो। टू थाउजेंड, सो 2,000,4,P, या एंड यू गेट योर 2,000 सिमुलेशंस। जस्ट जस्ट Let's just do a sum of S1 and make sure that our sums are the same. So we know our simulations are the same as well. Yeah? Panda, समझ में आ गया? Set dot seed का सबको, किसी को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, बताओ? ठीक है। ठीक है? Part 6 पे गया, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिमुलेशन इन पार्ट 5। तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़े हैं ग्राफ में, अभी पार्ट प्लॉट किया, प्लॉट किया, ये तीसरा चीज है जो कल किया था, क्या है, फंक्शन हिस्टोग्राम बनाने के लिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रहा है? प्राकृति, राइट? आ रहा है ना आंसर, प्राचिता आ रहा है ना? बढ़िया, चलो पार्ट 6 में हिस्ट बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैं हिस्ट ऑफ S1 कर दूंगा, अपना हिस्टोग्राम आ जाएगा, है ना? दिक्कत क्या है इसमें, सेंटर पे नहीं है, है ना? क्या है, नहीं है सेंटर पे, नहीं है, मतलब कोई समझा सकता है ये सेंटर पे नहीं है मतलब? हाँ, क्या नहीं है उसके सेंटर पे? नंबर्स है ना? तो ये 1 अभी एज पे है ना, बार के एज पे, मुझे क्या चाहिए, जो 1 नंबर है ये बार के सेंटर पे हो, है ना? है ना? बोलो हाँ कि ना, है ना? ये अपने कल किए थे कि ये जो लेबल्स है दे शुड सेंटर माय बार्स, नॉट ऑन द एज ऑफ द बार्स, ठीक है? ये हिस्टोग्राम का एक रिक्वायरमेंट है जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो। इसको करें कैसे, देयर इज अ पर्टिकुलर आर्गुमेंट ऑफ द हिस्ट फंक्शन कॉल्ड द ब्रेक्स फंक्शन, ठीक है? तो ब्रेक्स फंक्शन पे अपने क्या करते हैं, मिनिमम नंबर -0.5 इज टू मैक्सिमम नंबर +0.5, ठीक है? क्या बोला मैंने, मिनिमम नंबर -0.5 इज टू मैक्सिमम नंबर +0.5। मुझे S1 में कैसे पता चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कॉल्ड समरी ऑफ S1, ठीक है? उससे मुझे S1 के बारे में बहुत डिटेल्स मिल जाती हैं, मिनिमम, फर्स्ट क्वांटाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वांटाइल, मैक्सिमम। तो दिख गया, मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम क्या है 7, राइट? क्या लिखना होगा फिर यहाँ पे, तो मिनिमम -0.5, मैक्सिमम +0.5, बीच में सेमी कोलोन, ठीक है? देखो, नाउ द हिस्टोग्राम लुक्स मच मोर विजुअली प्लीजिंग, या व्हाट एल्स, एक्स लैब, वाई लैब,
राइट द यूजुअल एक्स लैब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट बिलीव द रूमर, राइट, नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट बिलीव द रूमर, वायलैब सही है, फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी था वो सही है, ठीक है, 2000 सिमुलेशंस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, सही है, बताओ ऑल गुड, कोई भी दिक्कत, एनी क्वेश्चंस गाइस टेल मी, पीपल ऑन द कॉल ऑल गुड, कोई भी दिक्कत बताइए, आई होप एवरीथिंग फाइन, या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डोंट शाय फ्रॉम जस्ट अनम्यूटिंग इंटरप्टिंग मी, कोई भी दिक्कत है तुरंत बताना, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आए आराम से कर लो, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, सुपर इम्पोज ऑन द हिस्टोग्राम अ लाइन ग्राफ ऑफ थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ओके, व्हाट आर माय, व्हाट व्हाट इज थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, थियोरेटिकल इज थियोरेटिक, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज इन टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, ऑब्जर्व नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है जो अपने अगर एस वन में जाके काउंट करे कितनी बार जीरो आया, कितनी बार वन आया, कितनी बार टू आया, वो ऑब्जर्व नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे ना अपने, है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या ये थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मांग रहा है, हर पॉइंट पे एक्सपेक्टेड क्या था, ठीक है, सैंपल होने के पहले, तो हर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटीज है उसको मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गया ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, बताओ हाँ कि ना, या तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये पार्ट सेवन ही आई थिंक पार्ट बी है इसका, पार्ट सेवन सिक्स का, सो लेट्स जस्ट राइट माई एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, जीरो टू सेवन है ना, जीरो से लेके सेवन मेरे एक्सेस हैं, राइट, उन्हीं सात पे मैं अपने थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालूंगा, ओके, मैं वाई पे चलो स्टोर करूंगा, राइट, कौन सा फंक्शन से निकलेगा एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज पहले, नेगेटिव बाइनोमियल का एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज निकालना है या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, डी एन बाइनोम, है ना, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, पीडीएफ निकालना है, तो डी एन बाइनोम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, चलो डी एन बाइनोम ऑफ एक्स कॉमा फोर कॉमा पी, या बट ये क्या मेरे एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, करेक्ट, इसको अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना क्या करूंगा, सॉरी एक्स इंटू वाई कैसे करोगे, मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इंटू वाई इंटू ये करूंगा ना एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज, तो इंटू क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसीज क्या है मेरे इस केस में 2000, है ना, तो क्या लेंथ ऑफ एस वन, या सो माई वाई इज, सॉरी माई वाई इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यस और नो बताओ, देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अभी भी पॉजिटिव आ रहा है ना, मुझे दिखाना है कि ये जीरो तक आए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना एक्स का रेंज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट लाइकिंग दैट आई स्टिल हैव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट, देखो टेन पे आ गया, ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया, ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी, ओके, मुझे दिखाना है कि वो ऑलमोस्ट जीरो तक आ रहा है, राइट, हिस्टोग्राम का भी वही करना पड़ेगा क्योंकि सुपर इम्पोज कर रहे हैं उसी ग्राफ पे कर रहे हैं, तो इसका भी एक्स एक्सिस को 10.5 तक लेके जाएंगे ना, 10 तक लेके जाना है, मतलब 10.5 तक लेके जाना है, ओके, तो 10 तक जीरो आ गया, मतलब ये तो पहले भी जीरो था, 7 पे ही जीरो हो जा रहा था, बट इस पे सुपर इम्पोज जो होगा वो एक्स एक्सिस 10 तक लेके जाएंगे ना अपने, तो जो बेस ग्राफ है उसको भी 10 तक करना होगा, नहीं तो वो बाहर चला जाएगा उसका वो लाइन, यस, सुपर इम्पोज के लिए कौन सा फंक्शन, लाइंस,
ए बी लाइन स्ट्रेट लाइन के लिए, अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं तो लाइंस फंक्शन। अच्छा हाँ बताओ, एक्स 0 इज टू 10 है बस, नॉट रैंडम नंबर्स, द रेंज ऑन विच आई वॉन्ट, द रेंज ऑफ माई एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ तो प्लॉट फंक्शन हमने आज पढ़ा था फॉर ड्रॉइंग अ फ्रेश प्लॉट, ठीक है। वो कंसिडर नहीं करता एग्जिस्टिंग ग्राफ क्या है, एक नया प्लॉट बना देता है। अपने को क्या करना है, ओवर प्लॉट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लाइंस फंक्शन, राइट। सो लाइंस ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट विल सिमिलर टू द प्लॉट फंक्शन, लाइंस फंक्शन ऑल्सो नीड्स एक्स कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज द वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैं लाइंस ऑफ एक्स कॉमा वाई करूंगा, देखो आ गया। एक और चीज देखो, ऐसा मैं ना थोड़ा कलर डिफरेंट कर दिया करो, इट जस्ट बिकम्स इजियर फॉर कंपैरिजन। या वन मोर थिंग, टाइप को मैं यहाँ करूंगा समथिंग कॉल्ड ओ, ठीक है। ओ मीन्स ओवर प्लॉटेड, अगर अपने हेल्प में जाके देखेंगे ना प्लॉट में, ओ मीन्स ओवर प्लॉटेड, देखना ओ से क्या होता है। हाँ, देखो ओ से क्या हुआ, यहाँ पे क्या फर्क आया अपने ग्राफ में, ओ करते ही पॉइंट्स भी आ गए, लाइंस भी आए, है ना। जो मेरे एक्स एंड वाई है वहां पे पॉइंट भी आया, तो मेरे लिए कंपैरिजन इजियर हो जाता है ना, ठीक है। क्या कंपेयर कर सकते हो, अगर यहाँ पे कमेंट करना हुआ कि हाउ डू योर थियोरेटिकल एंड सिमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज कंपेयर, सो व्हाट वुड यू कंपेयर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, राइट, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यस और नो, ऑल गुड, कोई भी दिक्कत इसमें। सो वी हैव ओवर प्लॉटेड यूजिंग टाइप इक्वल्स ओ एंड देन जस्ट कमेंटेड कि अपना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसमें बताइए। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। सो पार्ट सी में कमेंट था वो हमने कर दिया, पार्ट सेवन में क्या है, यूज द सिमुलेशंस फ्रॉम पार्ट फाइव टू ऑब्टेन द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज फॉर पार्ट थ्री एंड कमेंट। पार्ट थ्री में क्या था, लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन थ्री, है ना। अपने को एम्पेरिकल के लिए लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन थ्री कैलकुलेट करना है, राइट। बताओ कैसे करोगे, पार्ट सेवन में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अगर एम्पेरिकल का लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन ये सब प्रॉबिलिटी निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे। वापस हिस्ट करो और फिर वापस लाइंस कर दो, ठीक है। हिस्ट मतलब क्या होगा, वो रिफ्रेश कर देगा ना, सब कुछ घटा देगा और फिर वापस लाइंस कर लो। अच्छा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन लेस देन प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालोगे, कौन सा फंक्शन यूज किया अभी तक हमने। अच्छा थ्योरेटिकली सोचो, अगर आपको करना होगा क्या करोगे, पहले काउंट करोगे कितने नंबर उससे छोटे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, इंडेक्सिंग, और फिर क्या फंक्शन यूज करोगे, लेंथ फंक्शन यूज करोगे। तो क्या करूंगा मैं, लेंथ ऑफ एस वन, वेर एस वन क्या है, इज लेस देन इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ एस वन। या हमने किया ना इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सेम चीज, राइट, एंड द सेम थिंग फॉर मोर देन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये बस ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ऊपर वाली प्रॉबिलिटीज के साथ। एक बार ऊपर वाली प्रॉबिलिटीज वापस देख लेते हैं क्या है, तो ऑलमोस्ट सेम है, राइट, 0.89, 0.90, 0.04, 0.033। दूसरा वाला बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। कोई भी दिक्कत इसमें बताओ, ऑल गुड। अच्छा अगर मैं कहूं कि मेरे कोई डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन फोर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन थ्री प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, राइट, 0.04, ऑलमोस्ट 60%, 30% ज्यादा है, राइट। सो व्हाट कैन आई से दैट टुवर्ड्स दी हायर वैल्यूज ऑफ एक्स मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लाई करती है, बाकी ना ग्रेटर देन थ्री क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ना नेगेटिव बाइनोमियल के लिए वो ऑलमोस्ट अपर एंड ही हो गया है, राइट। जहाँ पे 4% प्रोबेबिलिटीज लाई करती हैं, 3% प्रोबेबिलिटीज लाई करती हैं, दैट इज माई अपर एंड, राइट। तो क्या क्या मैं कह सकता हूँ कि सैम्पल में अपर एंड में देर आर मोर वैल्यूज एज कम्पेयर टू द थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ हाँ कि ना, यस और नो,
right? So the implication of this being like 33% higher than this is that my sample is more values in the upper end, right, as compared to the theoretical distribution. Samajh aaya? Nahi aaya? Greater than 3 main probability keh raha hu, hai na? Greater than 3 matlab towards the upper side of x, hai na? Greater than 3 matlab kya? X equals 4, 5, 6, 7. और नेगेटिव बाइनोमियल के लिए देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0 1 2 में आ गई इस केस में, तो 4 अपर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जहां पे बहुत कम प्रोबेबिलिटीज है बट इट इज लाइक द अपर एंड ऑफ एक्स वैल्यूज, है ना? तो 4% वर्सेस 3%, कैन आई से कि अपर एंड में सैंपल में ज्यादा वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? क्योंकि यहां पे अपर एंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.04, 4%, यहाँ पे क्या 3.3%. Drawing out conclusion. Exactly. पहले वाला तो almost similar है. यहाँ पे you can see about 0.07, 0.057 आराम से 25% का difference है ना? तो 25% के difference में ऐसा comment करना. ठीक है? Does that make sense? Any questions? चलो. नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं. पार्ट 8 में क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिमुलेटेड वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वो बता दो, क्या बोलते हैं हम, सिमुलेशंस कैसे निकालोगे? एसडी ऑफ S1, वी हैव एन इनबिल्ट फंक्शन टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल. What is standard deviation of negative binomial? I think tables book खोल रखा था हमने. देख के बताओ tables book से. K into Q by P square. वो है ना variance. है ना? K Q by P square variance से अपने को SG निकालना है, तो अपने इसका square root कर लेंगे. तो square root of K क्यू बाय पी स्क्वायर, राइट? कर लो तो K इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर. K अपने स्टोर नहीं किया, K क्या अपना 4 है ना? या क्या कंक्लूड कर पा रहे हो उससे? सिमिलर है बट सैंपल का, बताओ क्या कंक्लूड करोगे इसके बेसिस पे? थोड़ा सा हायर है. व्हाट डू कंक्लूड ऑन दैट बेसिस? हाँ, द स्प्रेड ऑफ द सैंपल वैल्यू स्लाइटली हायर देन द थ्योरेटिकल स्प्रेड. या ये समझ में आया सबको? स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट अबाउट इंटरक्वार्टाइल रेंज? इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? व्हाट इज इंटरक्वार्ट? Q3 माइनस Q1. Q3 क्या होता है? तो देखो इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 विच इज अपर क्वांटाइल, ठीक है, माइनस लोअर क्वांटाइल. अपर क्वांटाइल लोअर क्वांटाइल का मतलब 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल. समझ आया? या टेल मी गाइस, यस ऑर नो? इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर थ्योरेटिकल परसेंटाइल्स निकालने हैं, सॉरी पहले सैंपल का सोचिए, सैंपल परसेंटाइल्स निकालने हैं तो कौन सा फंक्शन यूज किया था आज हमने? क्वांटाइल. सैंपल के लिए क्वांटाइल यूज किया था ना, तो क्वांटाइल ऑफ S1 0.75 से 75th परसेंटाइल निकलेगा, हाँ कि ना बताओ? माइनस क्वांटाइल ऑफ S1 0.25 से 25th परसेंटाइल निकल जाएगा, निकल गया इंटरक्वार्टाइल रेंज. बताओ हाँ कि ना? कर लो, देखो ये हो गया अपना सैंपल का इंटरक्वार्टाइल रेंज. निकाल के देखो, एनी क्वेश्चंस? यही चीज अगर थ्योरेटिकल के लिए निकालना है क्वांटाइल पे वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हाँ, P
तो प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं, अपने यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? अच्छा यहाँ पे अपने प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, हाँ कि ना? तो वो किससे करते हैं? क्यू पी से, पी में एक्स की वैल्यू देते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं CDF, है ना? क्यू से प्रोबेबिलिटी देते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो थ्योरेटिकल के लिए क्या आप फंक्शन यूज करोगे? क्यू एन बाइनोम, राइट? पहले 0.75 कॉमा एन कॉमा के कॉमा पी माइनस क्यू एन बाइनोम 0.25 कॉमा के कॉमा पी, कर लो। क्यू एन बाइनोम कॉमा 0.75 कॉमा के कॉमा पी, के वापस स्टोर नहीं किया मैंने, दैट्स नॉट फेवरेबल, बट ठीक है, जो है वो है, सेम आ रहा है, ठीक है। सो योर इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द सेम बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड द सैम्पल। लास्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है अभी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन यूजुअली मैंने एग्जाम्स में नहीं देखा है, बट गुड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? ऑब्टेन वन सिमुलेटेड वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट बिलीव द रूमर बिफोर द फोर्थ पर्सन डेड। अच्छा, केवल अगर मैं यहां तक पढ़ूं तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? बाइनोमियल का क्या? सिमुलेशन जनरेट करने तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? आर एन बाइनोम। कितने सिमुलेशन जनरेट करना है? एक, 1.4 p, है ना? अगर अगर मैं केवल वहां तक क्वेश्चन पढ़ूं, ठीक है ऐसा। बट अब क्या कह रहा है ये? बाय सिमुलेटिंग वैल्यूज फ्रॉम अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन हुआ? आर जीओम हुआ, ठीक है। आर जीओम यूज करना है, लेकिन करना है बिफोर द फोर्थ पर्सन का, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिक क्या देता है? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, वो नेगेटिव बाइनोमियल। मैं ज्योमेट्रिक की बात करूं, ज्योमेट्रिक क्या देता है? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। आपने एक बार ज्योमेट्रिक का सिमुलेशन जनरेट किया, इट गेव यू नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, आपने नोट डाउन करके रख लिया। आपने ज्योमेट्री का एक और बार जनरेट किया, वो आया एक और बार नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, है ना? मैं पहला फेलियर है मेरे पास, पहले पता चले कितना नंबर ऑफ फेलियर हुआ, दूसरी बार पता है वापस नंबर ऑफ फेलियर्स, मैं उस उन दोनों नंबर ऑफ फेलियर्स को ऐड कर देता हूँ, तो क्या मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द सेकेंड सक्सेस? बताओ हाँ कि ना? अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। वापस समझते हैं। अच्छा, आर जियोम 1, p क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, ठीक है, आया 0, ठीक है। वापस मैं आर जियोम 1, p करता हूँ, वापस है नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, हाँ कि ना? मैं वापस रन करता हूँ, वापस फर्स्ट सक्सेस, वापस फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। ये क्या मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस है, ये भी फर्स्ट सक्सेस है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इट इज नंबर ऑफ इज इट नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द सेकेंड सक्सेस, क्योंकि इस पॉइंट तक 2 सक्सेस हो गए ना, इस पॉइंट तक कितने सक्सेस हो गए? इस पॉइंट तक कितने हो गए? 4, है ना? तो इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो गया? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फोर्थ सक्सेसेस। तो मुझे क्या करना है? आर जी हम 4, p करना बेटर रहेगा ना, राइट? एक बार में चारों कर लूँ, 1, p 1, p 1, p करके चार बार क्यों करूं? तो आर जी हम 4, p, और क्या उसका सम है ना, उसके पहले क्या सेट डॉट सीड ऑफ 57, 3 आ रहा है, देख लो। ये समझ में आया सबको? इसमें थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर आया, फिर नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर एक और फर्स्ट सक्सेस आया, नंबर ऑफ फेलियर आया, दोनों को ऐड कर दिया, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द सेकंड सक्सेस हुआ कि नहीं? बताओ, ऐसे करके मैंने चार बार किया, चारों को ऐड कर दिया, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फोर्थ सक्सेस आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑन द कॉल? टेल मी, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? बताओ, बढ़िया, सही है ना? कोई दिक्कत?
श्योर कैबिन क्या है यहाँ पे देखो अच्छा आर एन बाइनोम क्या देता है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द के एथ सक्सेस विच इज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फोर्थ सक्सेस, है ना, बताओ हाँ कि ना, यस सर है ना। अब आर ज्योमेट्रिक क्या देता है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस देता है ना। यस सर अगर मैं बोलूं मैं चलो आर ज्योम 1, P करूं तो मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर वन सक्सेस का एक सिमुलेशन मिला। यस सर आर ज्योम वापस 1, P करूं तो मुझे एक और सिमुलेशन मिला, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस। यस सर अगर मैं अब इन दोनों फेलियर्स को ऐड कर दूं, ठीक है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस एक बार, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस दूसरी बार, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट इज दैट एडिशन इज द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द सेकंड सक्सेस। यस सर ठीक है, तो मैं देखो यही कर रहा हूं, मैं मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिक यूज करके नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फोर्थ सक्सेस निकालना है। तो मैंने आर ज्योम 4, P किया, मतलब मैंने चार सिमुलेशन जनरेट किए, ठीक है, और फिर उन सबको ऐड कर दिया। यस सर समझ आया, बताओ कोई भी दिक्कत, एनी क्वेश्चंस गाइस, ऑल गुड। एक और एक्सरसाइज कर लें, स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ बस ये आंसर है और कुछ नहीं है, बस ये मतलब ठीक है, जिमनास्टिक्स है और कुछ नहीं है, मतलब यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, बट दे जस्ट फोर्स यू टू थिंक कि अगर कोई और रूट यूज करना हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लें, 5-10 मिनट, ठीक है, नहीं एकदम हिम्मत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कुल विल क्लोज द क्लास फॉर टुडे। कोई भी दिक्कत है, एनी क्वेश्चन, स्टे बैक, विल टॉक अबाउट देम।